गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हाजिर मैं आज आपके सामने डेवऑप्स का लेक्चर नंबर 5 लेके, जिसमें जहां हमने लास्ट लेक्चर में छोड़ा था बस उससे आगे लिनक्स की बात करेंगे। आज हम इसकी थ्योरी फिनिश कर देंगे, अगले वीडियो से मैं आपको कॉन्सेप्ट प्लस लैब चलेंगी लिनक्स की। लिनक्स का पूरा प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा क्या क्या लिनक्स में होता है। कुछ बुनियादी बातें रह गई हैं वो आज हम फिनिश कर लेते हैं लिनक्स से रिलेटेड। तो देखिए, सबसे बुनियादी बात यह है कि लिनक्स के अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं और उसको कंपेयर करूं विंडो के साथ, क्योंकि विंडो हम सब ने इस्तेमाल किया है, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मैं आपको लिनक्स का आर्किटेक्चर कंपेयर करके अगर दिखाऊं, तो सबसे पहले जो होगा वो हमारा हार्डवेयर होगा दोनों जगह। जो सबसे अंदर जो हमारा कॉम्पोनेंट होगा वो हार्डवेयर होगा। हार्डवेयर किसके साथ कॉम्युनिकेट करता है, इंटरेक्ट करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है विंडो के केस में। लिनक्स के अंदर उसी ऑपरेटिंग सिस्टम को हम कर्नल कहते हैं। तो यहां आप बेसिक बात अगर आप देखें तो ओएस की जगह कर्नल आ गया, ठीक है? तो बड़ी कई जगह ऐसा भी कहते हैं कि ओएस को ही लिनक्स में कर्नल कहा जाता है, तो कोई गलत बातें नहीं है, ये बुनियादी बातें हैं। सबका अपना अपना कहने का तरीका है, टेक्निकली थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, बट अगर आप इसको इस तरीके से समझेंगे तो ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी बन पाएगी। टेक्निकली दोनों अलग होते हैं, नो डाउट, बट हमें उतना गहराई में नहीं जाना। हम अगर इसे बुनियादी लेवल पर समझें कि हार्डवेयर ओएस के साथ इंटरेक्ट करता है विंडोज के केस में, सिमिलरली हार्डवेयर कर्नल के साथ इंटरेक्ट करता है लिनक्स के केस में, ठीक है? उसके ऊपर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं शेल, और वही शेल यहां पर भी होती है, यहां पर भी उसको शेल ही बोला जाता है। और शेल के साथ जो इंटरेक्ट करता है बंदा, वो कौन करता है? वो आप करते हैं, यानी कि यूजर करता है। ऐसे लिनक्स के केस में कौन होता है, उसको क्या बोलेंगे? यूजर ही बोलेंगे, ठीक है? यानी कि ये आर्किटेक्चर है विंडोज का और ये लिनक्स का। कहां बुनियादी फर्क है? बुनियादी फर्क सिर्फ यहां पे है। अगर मैं विंडो की बात करूं तो यूजर शेल को रिक्वेस्ट करता है। सपोज यूजर को एमएस ऑफिस चलाना है तो वो रिक्वेस्ट शेल के पास जाती है, शेल उस रिक्वेस्ट को ओएस के पास भेजता है, और ओएस जो भी हार्डवेयर रिक्वायर्ड है उसे चलाने के लिए, एमएस ऑफिस को चलाने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए, वो उसको रिक्वेस्ट करके उसे ओपन करवाता है, ठीक है? तो ये एक प्रोसेस होता है। इससे भी अच्छे तरीके से अगर आप समझना चाहें तो ये याद रखिएगा कि ओएस जो होता है वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है, और शेल जो होता है वो यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है। यानी कि हार्डवेयर से कोई भी चीज चाहिए मुझे, किसी सॉफ्टवेयर को, सपोज मेरे को गेम चलाना है मेरे लैपटॉप में, तो गेम के लिए रैम चाहिए होगी, स्टोरेज चाहिए होगी जिसपे वो गेम रन करेगा, है ना? उसको एक स्पेस चाहिए होगा, मेमोरी चाहिए होगी, सीपीयू चाहिए होगा, तो वो कौन लाकर देगा? OS रिक्वेस्ट करेगा हार्डवेयर से कि भाई मेरे को ये हार्डवेयर चाहिए, लैपटॉप में जो भी हार्डवेयर उसमें है उसको कौन कंट्रोल करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। सिमिलरली लिनक्स में कौन कंट्रोल करेगा? कर्नल कंट्रोल करेगा। कर्नल वो सारी चीजें, हार्डवेयर, जो भी हार्डवेयर रिक्वायर्ड है किसी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को चलाने के लिए, कर्नल उस रिक्वेस्ट को हार्डवेयर से लेकर, हार्डवेयर से प्रोसेस करा के जो भी चीजें चाहिए वो रिक्वेस्ट करेगा हार्डवेयर को, और वो चीजें लाकर देगा, ऊपर की लेयर पे देगा। और शेल जो है, शेल किस काम आएगा? वो यूजर को रेस्पॉन्ड करेगा, ठीक है? तो यूजर हमेशा शेल के थ्रू रेस्पॉन्ड करता है। आपने देखा होगा, आप अगर विंडो की बात करें तो विंडो में आप अपने नॉर्मल काम के लिए आप फोल्डर बना सकते हैं, फोल्डर आपने बना लिया, रन कर लिया, फोल्डर को सेव कर दिया। यही काम आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट आपको पता ही होगा, विंडो में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो अगली लैब में, अगले वीडियो में मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है? कमांड प्रॉम्प्ट में आप क्या करते हैं, काली सी स्क्रीन आ जाती है आपके लैपटॉप पे, और वहां आप कुछ कमांड टाइप करते हैं। एक्चुअल में वो क्या है? वो शेल है। आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू बात ना करके डायरेक्ट शेल के थ्रू बात कर रहे हैं, समझे आप बात को, ठीक है? आप एक तरीका यह है, आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू किया, आपने ड्रैग ड्रॉप करके, लेफ्ट राइट क्लिक करके माउस का, उसके थ्रू काम कर रहे हैं। एक है आप सीधा कमांड के थ्रू काम कर रहे हैं। एक्चुअली में जो आप माउस के थ्रू लेफ्ट राइट करते हैं, या कंट्रोल ए करते हैं, कंट्रोल सी करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं, बैक एंड में वो कमांड भी कमांड प्रॉम्प्ट में ही रन करती हैं आपके बिहाफ से, क्योंकि आपको नहीं करनी पड़ती। आप खाली ड्रैग ड्रॉप करते हो पर बैक एंड में कमांड चल रही होती हैं, शेल स्क्रिप्ट में वो चल रही होती हैं। तो या तो आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू काम कर लो, या डायरेक्ट शेल पर भी आप काम कर सकते हो, कहने का मतलब ये है,
ठीक है, इसको समझने का तरीका ऐसे है। तो यूजर शेल के साथ इंटरेक्ट करता है और हार्डवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करता है और आपको आपका सॉफ्टवेयर चला के देता है। लिनक्स की बात करूं तो यहां पर सब कुछ सेम है, बस ओएस जहां पर होता था वहां हमारा यहां कर्नल आ जाता है, ठीक है। हालांकि ये भी आपको जगह जगह पे ये आर्किटेक्चर में थोड़ा बहुत वेरिएशन फर्क मिल सकता है, बट वरिड होने की बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो कर्नल लिनक्स के केस में हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा और यूजर जो है वो शेल के साथ। अच्छा, मजे की बात यह है कि लिनक्स में हम लोग हमेशा कमांड लाइन का ही इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि अब एक लेयर कम हो गई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कम हो गया। पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आप ड्रैग ड्रॉप कर रहे हैं, माउस का राइट क्लिक कर रहे हैं, फिर वो बैक एंड पे कमांड में कन्वर्ट हो रहा है और फिर वो प्रोसेस कर रहा है, पर यहां पे आप सीधा कमांड चला रहे हैं तो वो काम ज्यादा फास्ट हो जाता है। तो ये भी एक रीजन है कि लिनक्स जो है ज्यादा फास्ट प्रोसेस करता है, कमांड के थ्रू आप ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा फास्ट काम कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि लिनक्स मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। कुछ बुनियादी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मैं बस वो आपको बता देता हूं। विंडोज के केस में आप जिसे फोल्डर कहते हैं, फोल्डर, फोल्डर तो पता है ना आप सभी को, फोल्डर किसे कहते हैं, फोल्डर बनाया जाता है ना, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर बनाते हैं, उसमें आप उस फोल्डर का नाम देते हैं मूवीज और सारी मूवी उसके अंदर सेव कर देते हैं। तो वो जो फोल्डर होता है उसे लिनक्स में कहा जाता है डायरेक्टरी, बड़ा फेमस है, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं, बस आप ये समझ लेंगे ना तो आपको काफी काफी लिनक्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो फोल्डर को लिनक्स के केस में कहते हैं डायरेक्टरी, ठीक है। यहां पर एक टर्म होती है एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपने देखा हो तो जो हमारा विंडो होता है उसमें आप यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं, तो यूजर के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं अपने विंडो में, और एडमिनिस्ट्रेटर के भी। एडमिनिस्ट्रेटर वो बंदा है जो उस पूरी विंडो को कंट्रोल कर सकता है, नए नए यूजर क्रिएट कर सकता है, चाहे तो किसी फोल्डर को हाइड कर सकता है, लॉक लगा सकता है, सब कुछ कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर जो विंडो में जो टर्म होती है उसको यहां पर कहा जाता है रूट यूजर। रूट यूजर एक ही बात है लेकिन यहां पर उसे रूट यूजर कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इन टर्म्स का हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं फ्यूचर में। तो आपको एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, लिनक्स मुश्किल नहीं है, बस उसको रिलेट करना आना चाहिए। यहां जिसे फोल्डर कहते हैं वहां डायरेक्टरी कहते हैं, यहां फाइल कहते हैं वहां भी फाइल ही कहते हैं, जैसे यहां पर कोई टेक्स्ट फाइल आपने बनाई है वहां भी उसको फाइल ही कहते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है, पर फोल्डर को डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है, फाइल को फाइल ही कहते हैं, वो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहां पर अगर आप कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, सपोज करो आपने MS Office इंस्टॉल किया, Zoom सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, या Camtasia या Filmora इंस्टॉल किया, तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना। कितने भी सॉफ्टवेयर हैं उन्हें हम Adobe Photoshop है या फिर कोई और सॉफ्टवेयर है, तो उसे हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर बोलते हैं। उसको लिनक्स के केस में सॉफ्टवेयर ना बोलकर पैकेज बोला जाता है, पैकेज मतलब वही है, पर उसको हम पैकेज कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए ताकि आगे जो कंफ्यूजन है वो फिर बिल्कुल क्रिएट नहीं होगा। जब मैं कोई पैकेज इंस्टॉल करूंगा तो मतलब मैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहा हूं, समझ में आ रही है बात आपको? तो बिल्कुल बुनियादी बातें हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज रह गई है वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, फाइल सिस्टम हायरार्की, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइल सिस्टम हायरार्की। तो इसकी अब हम बात करते हैं। अब देखें जरा यहां पे विंडो और लिनक्स का मैंने फाइल सिस्टम हायरार्की बनाई है। अगर विंडो की बात करें तो विंडो में जैसे ही आप विंडो लैपटॉप में इंस्टॉल करते हैं बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव बन जाती है। डी ड्राइव, ई ड्राइव तब बनेगी जब आप पार्टीशंस करेंगे। अगर आप कोई पार्टीशन नहीं करते हैं तो सी ड्राइव बनती है बाय डिफॉल्ट। उसके अंदर सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, जितनी भी आपकी विंडो से रिलेटेड फाइल्स हैं वो सी ड्राइव में ही होती हैं। अगर आपने डी ड्राइव बनाई है तो ठीक है, नहीं बनाई है तो बाकी के जो आपके फोल्डर्स हैं वो भी सी ड्राइव से ही बने हुए आपको नजर आएंगे। तो आप अगर देखें तो विंडो के केस में आपको सी ड्राइव नजर आती है बाय डिफॉल्ट। डी ड्राइव, ई ड्राइव ये सब आप बना सकते हैं, ठीक है, आप अपने हार्ड डिस्क के पार्टीशंस कर सकते हैं, पर बाय डिफॉल्ट विंडो जब बनेगी तो सी ड्राइव बनेगी ही बनेगी, ठीक है। ये सी ड्राइव क्या दिखाती है कि भैया सारी विंडो की जो फाइल्स हैं, जो विंडो इंस्टॉल करते टाइम बनी है, क्रिएट हुई है, वो सब इस ड्राइव के अंदर है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, आप कभी इसे डिलीट नहीं करते, कभी भी इसमें जाके किसी फाइल को डिलीट करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि आपकी विंडो करप्ट हो सकती है, खराब हो सकती है। तो ये सी ड्राइव होती है। ऐसे लिनक्स के केस में ड्राइव जो होती है सी ड्राइव, डी ड्राइव नाम से नहीं होती, सिर्फ एक स्लैश होता है इस तरीके का। इसीलिए लिनक्स थोड़ी देखने में कंफ्यूजिंग लगती है, क्योंकि यहां तो सी ड्राइव दिख रहा है और हम बड़े फैमिलियर हैं, कई सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, यहां पर ना उसकी जगह स्लैश होता है।
और ये कौन सा स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है। विंडो के केस में हमेशा बैकवर्ड स्लैश का इस्तेमाल होगा, आप कभी भी देखेगा ये वाला स्लैश इस्तेमाल होगा, और लिनक्स के केस में फॉरवर्ड स्लैश, इसे बैकवर्ड कहते हैं उसे फॉरवर्ड। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा ये बैकवर्ड है फॉरवर्ड है, कंफ्यूजिंग है, मेरे लिए खुद बड़ा कंफ्यूजिंग है। आपने कुछ नहीं करना, देखो ये वाला बैकवर्ड स्लैश है, ये वाला फॉरवर्ड है, कैसे पता, ये जो डंडा है ना इसका आप मुंह बना दो, इसका भी मुंह बना दो, अब इसकी आंख ये रही, इसकी आंख ये रही, तो ये आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है, तो ये वाला कौन सा स्लैश हुआ, बैकवर्ड स्लैश, और वो कौन सा है, फॉरवर्ड स्लैश, वो आगे की तरफ गिर रहा है, ये कहां गिर रहा है, पीछे की तरफ गिर रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये वाला मेरा कौन सा स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश है, ये वाला मेरा कौन सा स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। इसको टोपी भी पहना देते हैं रेड हैट वाली, ठीक है। तो ये हमारा आगे की तरफ गिर रहा है, फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है ना। टाई भी बना दें इसे जैसे मैंने पहनी है, चलिए वेरी गुड। तो ये फॉरवर्ड स्लैश है, आगे की तरफ गिर रहे हैं जनाब, ठीक है। तो फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश आपको समझ आ गया, विंडो के केस में बैकवर्ड स्लैश होता है और यहां हम हमेशा फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब भी हो चेहरा बना देना आगे की तरफ जिसका जा रहा है वो फॉरवर्ड स्लैश लगाया, सही लगाया, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, ठीक है। तो ये सी ड्राइव को ही यहां पे क्या कहते हैं, टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी। आप फॉरवर्ड स्लैश लगा दें उसका मतलब है टॉप लेवल, यानी सबसे ऊपर। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फोल्डर है, ड्राइव है, सी ड्राइव है, क्योंकि सब कुछ उसी के अंदर है। ऐसे लिनक्स में सब कुछ टॉप लेवल से स्टार्ट होगा, इसीलिए इसको रूट ट्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्योंकि ट्री जो है, ट्री जो होता है, पेड़ जो होता है, उसमें वो रूट लेवल जो हमने इसको बोला टॉप लेवल रूट, तो पेड़ से ट्री लेवल स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। ये जो ट्री है, जैसे इसके अंदर फिर आप और मेंबर बना सकते हैं, जैसे जॉन की अपनी फाइल है और सुमन की अपनी फाइल है फॉर एग्जांपल, तो इस तरीके से। तो ये एक ट्री लेवल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये उसका रूट है, मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो रूट लेवल वो है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब क्या, फोल्डर, फोल्डर मतलब ड्राइव कह लें आप यहां पे, ठीक है। तो यहां सी ड्राइव है, आप सी ड्राइव में जब आप कभी अपनी विंडो में जाएंगे तो आपको कुछ डिफॉल्ट फोल्डर्स वहां पे नजर आएंगे, प्रोग्राम फाइल के नाम से, यूजर के नाम से, प्रोग्राम इनटू 8086 जो हमारा प्रोसेसर होता है वो तो इनटू 86 के नाम से नजर आएगा, परफ फाइल्स नजर आएंगी, परफ लॉग या विन के नाम से फोल्डर नजर आएगा, बहुत तरीके के फोल्डर आपको नजर आएंगे। ऐसे ही लिनक्स में भी कुछ बाय डिफॉल्ट डायरेक्टरीज यानी कि फोल्डर बने हुए होते हैं, जैसे ही आप लिनक्स इंस्टॉल करोगे कुछ फोल्डर्स वहां भी क्रिएट होते हैं, तो उन फोल्डर को वहां डायरेक्टरी कहते हैं, ठीक है। तो मैं आने वाले टर्म में धीरे धीरे फोल्डर की जगह डायरेक्टरी का इस्तेमाल करूंगा, कंफ्यूज नहीं होना, डायरेक्टरी का मतलब है फोल्डर। तो जैसे विंडो में कुछ फोल्डर बन जाते हैं विंडो बना इंस्टॉल करने के बाद, ऐसे ही लिनक्स इंस्टॉल करने पर इस रूट डायरेक्टरी में कुछ फोल्डर बन जाते हैं, ठीक है। तो अब हमें उन फोल्डर्स की बात करनी है वन बाय वन, सारे फोल्डर्स मैं डिस्कस नहीं करूंगा, फोल्डर इससे ज्यादा होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फोल्डर्स अब मैं डिस्कस कर रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ज्यादा करूंगा तो आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएगा। एक बार आपको 10 फोल्डर की बात समझ आ गई, अगले 10 आप खुद से भी अगर गूगल करोगे समझोगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा। तो मेरा पर्पज यह है कि आपको एक बार मैं चलाना सिखा दूं, एक बार चलना सीख गया तो भागना आप खुद सीख जाओगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको चलना सिखा रहा हूं, यही मेरी कोशिश है, भागना आप खुद सीख जाओगे मुझे पता है। तो मैं अभी आपको कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज के बारे में बताऊंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको समझना जरूरी है, उसके बाद जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो आपको अपने आप समझ आ जाएंगी। तो अब हम उनकी बात करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं लिनक्स के अंदर की, इसका जो फाइल सिस्टम हायरार्की है वो किस तरीके से है। मैंने आपको दिखाया कि सबसे पहले टॉप लेवल रूट डायरेक्टरी होती है, फॉरवर्ड स्लैश ये होता है, और उसके बाद ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमारे पास डायरेक्टरीज जो है उसके अंदर अवेलेबल होती है। जैसे विंडो के अंदर सी ड्राइव में बहुत सारे फोल्डर्स हमें मिलते हैं। तो अब इनका क्या मतलब होता है वन बाय वन, वो मैं आपको बता देता हूं। स्लैश होम, देखिए यहां पे दो चीजें हैं, एक स्लैश होम और एक स्लैश रूट, ठीक है। तो स्लैश रूट का मतलब पहले हम समझते हैं, इट इज होम डायरेक्टरी फॉर रूट यूजर। अब आप स्लैश होम देखें, होम डायरेक्टरी फॉर अदर यूजर, क्या समझ आ रहा है इससे आपको, कि अगर आप बाय डिफॉल्ट अपने लिनक्स को आप लॉगिन करते हैं, आप लिनक्स को ओपन करते हैं, तो आप एज अ रूट यूजर लॉगिन कर रहे हैं। अगर आपने अपने सिस्टम के अंदर कंप्यूटर को भी ऑन किया, विंडो की मैं बात करूं, तो वहां पे जब आप उसे स्टार्ट करते हैं, पावर ऑन करते हैं, तो
अगर आपने यूजर्स बनाए हुए हैं तो वो आपसे पूछेगा आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर लॉग इन करना चाहते हो, एज अ यूजर लॉग इन करना चाहते हो। तो यूजर ने कोई पासवर्ड लगा रखा है तो आप यूजर के पार्ट में एंट्री कर जाओगे, और अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड भी लगा रखा है तो आप उसके थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर में लॉग इन कर जाओगे, फिर आपका पूरा प्रॉपर विंडो खुल जाएगा। लेकिन उससे पहले वो दो चीजें आती हैं। ऐसे यहां पर भी है, अगर आप एज अ रूट यूजर लॉग इन कर रहे हो अपने लिनक्स मशीन में, आपने कोई यूजर क्रिएट नहीं किया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट टॉप लेवल डायरेक्टरी से आप कहां एंटर कर जाओगे, स्लैश रूट में आप एंटर कर जाओगे। स्लैश का मतलब है टॉप लेवल डायरेक्टरी, और उसके अंदर आप कहां पर हो, रूट के अंदर हो। रूट का मतलब आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हो इस मशीन के अंदर, इस लिनक्स मशीन के अंदर, ठीक है। तो रूट यूजर मतलब बाय डिफॉल्ट अगर आपने यूजर की तरह लॉग इन नहीं किया हुआ, आप एज अ एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे हो तो आप बाय डिफॉल्ट रूट के अंदर ही लॉग इन करते हो, और जो भी काम करते हो रूट के अंदर करते हो। तो ये होम डायरेक्टरी है रूट यूजर की, ठीक है। होम डायरेक्टरी का मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो रूट यूजर है वो इसके अंदर ही जब भी सिस्टम को लॉग इन करेगा तो वो इसके अंदर ही नजर आएगा, वो रूट के अंदर नजर आएगा, वो जो भी काम करेगा स्लैश रूट में करेगा। लेकिन अगर आपने कोई यूजर भी बनाए हुए हैं, अगर आपने मल्टीपल यूजर क्रिएट किए हुए हैं अपने उस मशीन के लिए, मैं बताऊंगा यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, उसका यूजर नेम पासवर्ड आप डाल सकते हैं, तो वो जो बाय डिफॉल्ट लॉग इन करेगा वो स्लैश होम में करेगा, ठीक है ना। वो स्लैश होम के अंदर लॉग इन करेगा, वो जो भी काम करेगा स्लैश होम में करेगा। उसके बाद सपोज उसने कोई और डायरेक्टरी के अंदर जाना है, कहीं और जाना है, कुछ भी करना है, वो स्लैश होम के अंदर करेगा। तो स्लैश होम किसके लिए होता है, अदर यूजर के लिए। रूट के अलावा कोई भी यूजर अगर लिनक्स मशीन में लॉग इन करेगा तो वो कहां जाएगा, बाय डिफॉल्ट स्लैश होम फोल्डर में, यानी उसका जो भी काम होगा वो स्लैश होम के थ्रू कंट्रोल हो रहा होगा, या आप ये कहें कि वो जो भी काम करेगा वो उसका जो काम वो सेव हो रहा है वो स्लैश होम में हो रहा है, आप इसको ऐसे समझ लें, ठीक है। तो रूट यूजर का काम यहाँ पे सेव हो रहा है और जो अदर यूजर है उनका यहाँ पे सेव हो रहा है, उनका जो भी काम है, उनकी जो फाइल्स है। इवन अगर आपने दो यूजर बनाए हैं, सपोज आपने दो यूजर बनाए अपनी मशीन के लिए, एक आपने भूपिंदर बनाया है और एक आपने सपोज विजय बनाया है, तो ये जो दो यूजर हैं ये किसमें काम कर रहे हैं, ये स्लैश होम और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, विजय आ जाएगा। तो ये विजय काम कर रहा है और विजय किसी फाइल पे एक्स वाई जेड सपोज डॉट टेक्स्ट फाइल ओपन करना चाहता है, तो ये उसका पाथ हो जाएगा, एब्सोल्यूट पाथ हो जाएगा कि मुझे एग्जैक्ट पाथ मैंने बता दिया कि मुझे पहले होम में जाना है, होम के अंदर एक यूजर है विजय और विजय ने एक फाइल बनाई हुई है एक्स वाई जेड डॉट टेक्स्ट, मुझे उसको ओपन करना है। तो ये तरीका होता है लिनक्स के अंदर। तो होम के अंदर जो अदर यूजर होंगे ना, विजय है, भूपिंदर है, आपने जितने भी यूजर बनाए हैं वो होम में आते हैं, और रूट यूजर का मतलब है एडमिन। तो एडमिन जब खुद काम करेगा तो वो रूट यूजर में काम करेगा, अदर यूजर काम करेंगे तो वो होम के अंदर काम करेंगे। सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ कंफ्यूजिंग बात नहीं है। अब बूट का, स्लैश बूट का क्या मतलब है, वही मतलब है जो बूट का होता है। जब हम कहते हैं कि ये बूटे अभी मेरा सिस्टम जो है बूट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही मैंने अपने लैपटॉप को पावर ऑन किया और जब तक मेरी विंडो ओपन नहीं हो जाती तब तक कुछ काम हो रहा होता है ना, कुछ काम हो रहा होता है, विंडो भी धीरे धीरे ऐसे ऐसे घूम रही होती है, फिर विंडो लिखा हुआ आता है विंडो 2010 या व्हाटएवर, और फिर वो ओपन होती है प्रॉपरली 5-10 सेकंड के बाद। तो वो जो 5 या 10 सेकंड लगे वो किस चीज में लगते हैं, बूटिंग में लगते हैं। हम कहते हैं कि सिस्टम बूट हो रहा है। बूट होने का मतलब क्या है, बूट होने का मतलब ये है कि हमारी जो विंडोज की फाइल है वो अभी सारी एकदम इनएक्टिव स्टेट में है, उन्हें हम एक्टिव स्टेट में ला रहे हैं ताकि वो प्रॉपर काम कर सके, ताकि सिस्टम चालू होने के बाद वो विंडो नजर आए। तो हमने क्या किया, उस सारे बूट फाइल्स को निकाला और हमने अपने हार्डवेयर को रन किया, और उसके बाद एक आपने बड़ी पॉपुलर टर्म जो नॉन टेक्निकल है उन्होंने नहीं सुनी होगी, मैं बता देता हूं, एक टर्म होती है पोस्ट, इसका मतलब होता है सेल्फ टेस्टिंग, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये प्रोसेस होता है बूटिंग के अंदर। इसका मतलब क्या है, वो हर चीज को चेक करेगा कि भैया मेरे सारे मशीन सही हैं, मेरा लैपटॉप चार्ज है कि नहीं है। आपने कई बार देखा होगा लैपटॉप अगर बिल्कुल डिस्चार्ज पड़ा है तो जैसे ही विंडो ओपन होती है एकदम से वो आपको नोटिफिकेशन देता है आपकी बैटरी डिस्चार्ज है, ठीक है, लैपटॉप ऑन नहीं हो पा रहा है। या अगर कोई चीज कनेक्टेड नहीं है, अगर हार्ड डिस्क फेलियर है, उसके साथ हार्ड डिस्क कनेक्टेड नहीं है, तो वो एरर देगा कि हार्ड डिस्क नहीं है या ये हार्ड डिस्क करप्ट है, जो भी चीज है। एक्चुअली क्या करता है, जब बूटिंग हो रही होती है तो वो सारे डिवाइसेस को चेक करता है।
है, सेल्फ टेस्ट करता है कि क्या मेरे सारे डिवाइसेस प्रॉपरली काम कर रहे हैं, मेरे साथ कनेक्टेड है। जो नहीं है उनका वो नोटिफिकेशन आपको देगा, अपडेट आपको देगा कि ये फाइल करप्टेड है, कनेक्टेड नहीं है, ये डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, या ये डिवाइस प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है, व्हाटएवर। तो बूटिंग का मतलब है कि सारी चीजों को टेस्ट करना उन 5-10 सेकंड के अंदर, और ये सारी जो फाइल्स हैं जो मेरे विंडो को चलाने के लिए जरूरी है उनको एक्टिव स्टेट में लेके आना इनएक्टिव से, ठीक है। तो वही चीजें यहां पर होती हैं, वो चीजें जो वहां पे हो रही थी वो यहां बूटिंग फाइल्स कहां पड़ी होती हैं, वो सारी बूटेबल फाइल्स कहां पड़ी होती हैं, यहां पर पड़ी होती हैं। जितनी भी अब बूटेबल फाइल को आप ऐसे समझिए कि लिनक्स के जितने भी सपोर्टेड कमांड्स हैं, फोल्डर्स हैं, जो फाइल्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी हैं, जब भी आप एक सिस्टम मशीन को ऑन करते हैं तो उस मशीन को ऑन करने के लिए जरूरी है ताकि उसके साथ मशीन के साथ मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रॉपरली कनेक्ट होकर चल सके, उसके लिए बूटेबल फाइल जरूरी होती है। अगर आप इनमें से कोई भी फाइल डिलीट कर दोगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि ये सारी फाइल जरूरी है, एक भी फाइल खराब हुई तो सिस्टम खराब। तो आपने बूटेबल फाइल्स को या इस फोल्डर को कभी टच नहीं करना है, कभी डिलीट नहीं करना है इसकी किसी भी फाइल को, ठीक है। तो बूटेबल फाइल्स क्या होती है ये आपको समझ आ गया, जो मशीन जब हमारी स्टार्ट हो रही होती है, मशीन को जब हम पावर ऑन करते हैं और जब तक कि हमारा विंडो स्टार्ट नहीं हो जाता, उन 5-10 सेकंड के दौरान जो टाइम लगता है वो बूटिंग में लगता है। बूटिंग का मतलब है हमारे सारे पैकेजेस को, सॉफ्टवेयर्स को एक्टिव करना और एक पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करना, जिसमें कि हम सारे डिवाइसेस को चेक करते हैं, रैम प्रॉपरली वर्किंग है कि नहीं है, हार्ड डिस्क प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं है, पावर ऑन है कि नहीं है, चार्ज है कि नहीं है, वो सारी चीजें हम टेस्ट करते हैं और फिर हम विंडो को ओपन करते हैं। तो ये सारे काम ये करता है। अब आता है /etc एटसेट्रा, इसका मतलब होता है इट कंटेन्स ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स क्या होती हैं? किसी भी मशीन की, अब जैसे आपसे कोई पूछता है कि भैया लैपटॉप खरीदना है मेरे को, तो आप क्या कहते हो, क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आपको लैपटॉप की? आप कहते हो मुझे 4GB रैम चाहिए, 500GB हार्ड डिस्क चाहिए, i5 प्रोसेसर चाहिए। तो आप क्या कहते हो, मुझे मेरी लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन ये है, 4GB रैम है, 500GB हार्ड डिस्क है और i5 प्रोसेसर है। तो वो जो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो कहां सेव होती हैं? /etc में। बात समझ आ गई? यानी मशीन से रिलेटेड हमारा जो भी मशीन है जहां पे लिनक्स पड़ा हुआ है, उस मशीन की सारी इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर की सारी इंफॉर्मेशन कहां पड़ी होगी? यहां पे ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। कॉन्फ़िगरेशन में सब कुछ आ जाएगा, जो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है उसकी रैम से रिलेटेड, उसकी हार्ड डिस्क से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स है वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स यहां पे सेव होती हैं। समझ आ रही है बात? /usr, इसे हम यूजर नहीं कहेंगे, यूजर एक अलग भी होता है, तो /usr इसे हम कहेंगे। ये क्या होता है? बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर आर इंस्टॉल्ड इन दिस डायरेक्टरी। तो आप जितने भी अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे बाय डिफॉल्ट वो यहां पे सेव होते हैं, ठीक है। हालांकि हमारे पास एक और ऑप्शन होता है /opt ऑप्शनल, यहां पर भी हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं, पर बाय डिफॉल्ट जो हमारी लोकेशन होती है वो /usr होती है, ठीक है। और opt भी हमारे पास एक ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, ये डिफॉल्ट है। तो यहां पर क्या होगा, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हैं अलग से किए हैं, वो बाय डिफॉल्ट USR के अंदर इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। /bin क्या करता है? और /bin और /sbin ये दो चीजें होती हैं। इसका मतलब है बाइनरी, /binary इसकी फुल फॉर्म बाइनरी है, और इसकी फुल फॉर्म है आपकी सिस्टम बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी और सिस्टम बाइनरी दो, इसमें दो चीजें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। सिस्टम बाइनरी का मतलब है कि इसके अंदर वो कमांड सेफ होंगी जो सिर्फ रूट यूजर इस्तेमाल कर सकता है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर इस्तेमाल कर सकता है, वो सारी स्पेशल कमांड्स इसके अंदर सेव होती हैं। बिन के अंदर सारी कमांड्स होती हैं, नॉर्मल कमांड्स सारी जो एक यूजर चला सकता है, ठीक है, या फिर रूट यूजर भी चला सकता है, ये कोई भी यूज कर सकता है, यूज्ड बाय ऑल यूजर्स इंक्लूडिंग रूट यूजर, रूट यूजर भी इन कमांड्स को यूज कर सकता है। तो जो नॉर्मल कमांड्स हैं वो /bin में होती हैं, और /sbin में वो स्पेशल कमांड्स होती हैं जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर चला सकता है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटर को राइट है उस काम को करने का, वो कमांड्स sbin में होती हैं। अब वो कमांड्स कैसी कमांड्स है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट है, वो बाय डिफॉल्ट कमांड है। जैसे आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में जाके अगर वहां पे आप आईपी कॉन्फ़िग लिखते हैं विंडो के केस में, तो आपको वो क्या करेगा, सारी आईपी दे देगा, आईपी कॉन्फ़िग /all। पर अगर मैं इसकी जगह कुछ और लिख दूं, मैं यहां पे लिख दूं आईपी टेल मी, है ना, आईपी टेल, या मैं कहूं कि मेरे को आईपी बता दो, तो क्या वो आपको आईपी बताएगा? नहीं बताएगा, आपको वही कमांड लिखनी पड़ेगी जो होती है। तो ये कमांड्स पहले से प्री कॉन्फ़िगर्ड होती हैं, जब लिनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हो
तभी ये प्री कॉन्फ़िगर्ड कमांड्स हैं जो बाय डिफॉल्ट वहां होती हैं। तो अगर आप ये कमांड रन कराओगे तो उसका आउटपुट आपको मिलेगा, बट उसके अलावा कोई ऐसी कमांड आप रन करा रहे हो जो वहां पे होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो क्या उसका रिजल्ट आपको मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सिर्फ वही कमांड्स आप चला सकते हो जो वहां पे पहले से कॉन्फ़िगर्ड है। तो वही कमांड्स कहां होती है? बिन में और एस बिन में। बिन में कौन सी होती है? जिन्हें नॉर्मल यूजर भी चला सकता है, नॉर्मल कमांड्स होती है, जैसे विच कमांड होती है, बहुत सारी कमांड है, वो मैं अभी आपको अगले लेक्चर से सब सारी डिटेल में बताऊंगा। तो वो बिन में आती है, और जो सिस्टम बिन के अंदर आती है वो आती है जो सिर्फ रूट यूजर चला सकता है, वो वाली कमांड। तो यहां पे वो कमांड्स आ जाती है। ऑप्ट का क्या काम है? ऑप्ट का काम है ऑप्शनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज। जैसे आपने लिनक्स के अंदर गूगल क्रोम इंस्टॉल कर दिया तो वो जो पैकेज है वो यहां पे आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है? तो ऑप्शनल आपके पास होता है, यूएसआर आपके पास होता है, दोनों ऑप्शन आपके पास है। स्लैश डीईवी क्या होता है? डिवाइसेस के लिए होता है। तो जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस है, अगर आपने प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है, अगर आपने माउस कनेक्ट किया हुआ है अलग से, या कोई और चीज कनेक्ट की हुई है, या कोई हार्ड डिस्क कनेक्ट की हुई है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन, डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन कहां पे सेव होती है? स्लैश डीईवी में। इसके अलावा और भी बहुत सारे आपको डायरेक्टरीज मिल जाएंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? आप इन्हें 2-3 दफा याद करें, इन पॉइंट्स को याद करें, और जैसे मैंने आपको समझाया वैसे याद रखें। आई होप इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो ये है थ्योरी लिनक्स के बारे में। इतना अगर आपने जान लिया, एनफ है, मोर देन एनफ है। अब इसके बाद आप चाहें तो आप और भी किसी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ लें, वैसे जरूरत नहीं है, वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हैं, अभी आप सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं, तो सिर्फ उतना पढ़ें जितना मैं बता रहा हूं, ठीक है? आप उस चीज पे फॉलो करें, आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप बिल्डअप होती जाएगी अगले 3-4 लेक्चर्स में, और आप देखेंगे कि आपको खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि लिनक्स में सब कुछ आ गया है, मुझे कुछ मुश्किल था ही नहीं, मैं वैसे ही डरता था आज तक, ठीक है? तो कुछ मुश्किल नहीं है, ये बुनियादी बातें हैं, एक बार आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद अब हम अगले लेक्चर से जो है हम लिनक्स की लैब स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको प्रॉपरली लिनक्स पे काम करना सिखाऊंगा। और इससे पहले एक बात और बता दूं, कई सारे लोग मुझसे बहुत कमेंट्स कर रहे हैं हमारे वीडियो पे कि सर वीएमवेयर की सीरीज का क्या हुआ, वो आपने बीच में रोक दी है। तो ऑफ कोर्स वो बीच में रुक गई है क्योंकि उस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम उसे स्टार्ट नहीं करेंगे। डेवऑप्स फिनिश होने के बाद वीएमवेयर की पूरी सीरीज आपको वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी, और एज्योर के जो लोग एज्योर में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है कि एज्योर का जो नया एग्जाम कोड है AZ104 इवन AZ300, वो सारे ट्यूटोरियल्स भी फ्यूचर में आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। गूगल क्लाउड आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा, एज्योर के लेटेस्ट कोड आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, और भी बहुत सारे लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स हम आपके लिए धीरे धीरे लेकर आएंगे। बट क्योंकि मेरे पास भी वक्त की थोड़ी कमी होती है, तो आपसे बस इतनी गुजारिश है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि मुझे भी वक्त लगता है वीडियोस को बनाने में और कंटेंट को क्रिएट करने में आपके लिए उस तरीके से कि आपको इजी वे में समझ आ सके। तो थोड़ा सा अपना गुस्सा कम रखें, वीएमवेयर की सीरीज ना आ पाने के लिए मैं माफी चाहता हूं, बट मैं जरूर आप तक डिलीवर करूंगा, आपको वो सीरीज मिलेगी। तब तक आप इस सीरीज का मजा उठाएं, और चलिए बात को किसी खूबसूरत शेर के साथ खत्म करते हैं। एक शेर मैंने अभी कहीं हाल ही में पढ़ा था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और वो शेर कुछ यूं था कि मेरी तन्हाई देखेंगे तो हैरत ही करेंगे लोग, मेरी तन्हाई देखेंगे तो हैरत ही करेंगे लोग, मोहब्बत छोड़ देंगे या मोहब्बत ही करेंगे लोग। तो ये मेरे को कहीं बड़ा बड़ा अच्छा लगा था, बड़ा कहीं सुना था मैंने। तो चलिए, ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।